ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 ने क्या बोला, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं इस तरीके से, ठीक है। 21 पॉइंट्स हैं, आपको देखना है कि इनसे हम कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी एक कॉर्ड को ड्रॉ करके देखो, एक कॉर्ड को ड्रॉ करेंगे तो वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। एटलीस्ट क्या, वी नीड एक्सैक्टली 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट अगर मेरे पास होंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी। तो कहने का मतलब, एक कॉर्ड को बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। और कितने पॉइंट है टोटल, 21 पॉइंट्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि सिंस अ कॉर्ड कैन बी मेड बाय सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन 21 पॉइंट्स। कि जो 21 पॉइंट्स हमको गिवन है, इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरे को कॉर्ड मिल जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स वुड बी 21 में से 2 सिलेक्ट कर लो, बस 21 में से 2 सिलेक्ट कर लो, तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और उससे हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 21 से, तो 21 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, और इसको सिंपलीफाई कर दें तो 21 को मैंने ओपन किया, 21 20 19 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों किया, वो तो अब समझ में आ जाना चाहिए। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, और ये बन गया कितना, 19 फैक्टोरियल सॉल्व होके। तो ये 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 टाइम, सो फाइनली नंबर ऑफ कॉर्ड्स बिकम 210। तो ये आ गया आपके पास सिंपल सा सॉल्यूशन, कि अगर मेरे को 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करके एक कॉर्ड बनानी है तो कितनी कॉर्ड्स बन जाएंगी। तो आंसर वुड बी 210। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, टीम बनानी है, कैसे टीम सिलेक्ट कर सकते हैं हमको वो पूछा है, ठीक है। तो वी हैव 5 बॉयज फ्रॉम 3 बॉयज हैव टू बी सेलेक्टेड, 3 सेलेक्ट करने आउट ऑफ 5, सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ द सेम, 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं तो क्या होगा, 5C3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं सिर्फ बॉयज को देखूं तो टोटल बॉयज कितने हैं, 5, 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, मतलब n की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 5C3, खत्म। अब उसके बाद देखो कितनी गर्ल्स हैं, 4, 4 में से कितने सिलेक्ट करनी है, 3, तो सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स वुड बी व्हाट, 4 में से 3 सेलेक्ट करना है तो 4C3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब टीम कब बनेगी, तो टीम तो तब बनेगी जबकि कंबाइंडली आप इन दोनों को सक्सेसिवली सॉल्व करोगे। तो जब ये कंबाइंड टास्क है तो फाइनल आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट। ये मैं 7.1, 7.2, 7.3 में समझा चुका हूं कि जब हमारे पास टास्क कंबाइंड टास्क हो तो जो फाइनल आंसर होता है वो सभी आंसर्स का प्रोडक्ट करके देते हैं अपन लोग। तो क्या लिखूंगा मैं, सो फाइनल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ 6-मेंबर टीम वुड बी 5C3 इनटू 4C3, 5C3 इनटू 4C3। अब देखो 5C3 को ओपन करो तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू 4C3 करो, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ओपन करो इसको। तो 5 फैक्टोरियल को मैंने, क्योंकि नीचे मेरे को 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो 5 इनटू 4 इनटू 3 फैक्टोरियल लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा इनटू में ये 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये तो पहली टर्म को सॉल्व किया। अब दूसरी टर्म को सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल को लिखा, 4 इनटू 3 फैक्टोरियल, ये तो पता ही है क्यों लिखा, क्योंकि नीचे अपने पास 3 फैक्टोरियल आ रहा है।
अब उसके बाद हमने क्या किया, नीचे वाला जो 3 फैक्टोरियल है उसको लिखा इनटू 1 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो पहले वाले से निकला 10, दूसरे वाले से निकला 4, तो आंसर इज व्हाट 40 वेज। कि ऐसी टीम जो है वो कितने तरीके से बना सकते हैं, हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं इन बॉयज और इन गर्ल्स को, तो आंसर वुड बी 40। पहले हमने क्या किया, 5 लड़के थे तो 5 में से 3 को हमको चूज करना था, 5C3। फिर 4 गर्ल्स थी, 4 में से 3 को चूज करना था तो 4C3, दोनों को मर्ज कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया और आंसर लिख दिया। चलिए एक और कर लेते हैं फिर, तो अगर समझ में आ गया तो। Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color, हर कलर की 3 balls अपने को चाहिए, total मिला के we have to select 9 balls. मतलब अगर red है तो red 3 आ जाए, red 3 आ जाए, फिर उसके बाद white है तो white 3 आ जाए, फिर उसके बाद blue है तो आपके पास blue 3 आ जाए, इस तरीके से select करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 6 आपके पास कितनी है, रेड बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, 63। मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉल्स या 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स is equal to 63, वही NCR, sorry, हाँ NCR, ठीक है। Also, number of ways of selecting 3 white balls out of 5 white balls, कि 5 white balls में से 3 white balls कितने तरीके से select कर सकते हैं, 5C3। This is equation number 2, क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है कि हर कलर की मेरे को 3 बॉल चाहिए, तो मैं 3-3 ही सिलेक्ट करूंगा। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम, कितनी है ब्लू अपने पास टोटल, 5 ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू 5C3, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्ट, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो 9 को एक साथ सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये तो 3-3 अलग अलग सिलेक्ट करी, सिंस इट इज अ कंबाइंड टास्क, तो फाइनल आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट। सो फाइनल नंबर ऑफ वेज फॉर द सेम वुड बी 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। सॉल्व कर लेते हैं, 6C3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अगली स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, और दूसरा जो 3 फैक्टोरियल है उसको भी ओपन कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, क्यों किया, क्योंकि एक 3 फैक्टोरियल से एक 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, और ये 3 इंटू 2 जो है वो इस 6 को कट कर देंगे, तो पहले से सिर्फ 20 बचेगा हमारे पास। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल को लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल, अच्छा ये 5 माइनस 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो उससे क्या होगा, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 जो है ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास बचेगा सिर्फ 10। फिर अगला वाला देख लेते हैं, तो जब ये बिल्कुल सेम ही था तो ये भी 10 ही निकलेगा, तो चलो लिख देता हूं, कंफ्यूजन दूर करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल ये 2, तो अगेन वी विल गेट अ 10, तो टोटल मिला के आंसर कितना हो गया, 2000 वेज। तो हम ऐसी 9 बॉल्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 2000 वेज से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। होपफुली ये जो सेकेंड लेक्चर है इसका ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।